क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के लिए। तो इस बीच मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी, वन ऑफ देम वाज क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योडोर दार्तोवस्की। ये क्लासिक है, वर्ल्ड क्लासिक है, मोटी किताब है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये किताब एक्चुअली सबको पढ़नी चाहिए। मतलब आप कोई भी गलत काम करते हो उसका आपका आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने गलत काम कर दिया और वो काम उसी जगह ख़त्म हो गया, उसके रिपल्स कई सालों तक आते रहते हैं और कई टाइम तक आते रहते हैं। और ऐसा भी होता है कि आप कोई गलत काम करते हो आप पकड़े नहीं जाते। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि कानून के हाथ इतने लंबे हो जाए कि हर वक्त आपको पकड़ लें। कानून की हदें बहुत छोटी हैं सर। कानून एक मील जाता है तो मुजरिम 50 मील भाग जाता है। इस तरह क्राइम खत्म नहीं किया जा सकता। सो ये भी ट्रू नहीं है। तो उस केस में जो अनरेस्ट होता है, जो दिल में एक खालीपना होता है, उसको किस तरीके से लिखा है? टेरिफिक। मतलब मैंने पहले भी कोशिश की थी लेकिन आई वॉज नॉट अ एविड रीडर, सो मैं कई बार फ्लॉप हुआ, बट एट द एंड आई फिनिश्ड इट। और बहुत ही सही किताब है, आपको पढ़नी चाहिए। मैंने एक सिनेमा के रिलेटेड एक किताब पढ़ी, एंड्रे बेजिन की व्हाट इज सिनेमा। इसमें एक काफ़ी एक अलग नज़रिए से सिनेमा देखने की एक सजेशन दी हुई है कि अगर आप कोई सिनेमा देखते हो या कोई सिनेमा रिव्यू करते हो तो आप चूज़ वही करो सिनेमा जो आपकी आपको अच्छी लगती है। नेगेटिव रिव्यू करना एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये आर्ट है। और आप जो नेगेटिव कह रहे हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो कि उस नेगेटिव को पॉजिटिव की तरह देखता हो। सो मुझे भी लगता है कि काफ़ी सही है और अप्रिशिएटिव रिव्यूज़ करने चाहिए। और मैं एक्चुअली कुछ टाइम से ये प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, सो अच्छा लगा। एंड देन फोटोग्राफी वर्सेस पेंटिंग, इन दोनों के बीच में जो एक बैरियर है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है कि हाउ वी ट्राई टू इमिटेट आवर सराउंडिंग्स इन बोथ द आर्ट फॉर्म्स। एंड ऐसा नहीं है कि कोई आर्ट फॉर्म किसी दूसरे से ज़्यादा बड़ा है, बट हाँ दोनों आर्ट फॉर्म की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। और दोनों आर्ट फॉर्म में आप जो आर्टिस्ट होता है उसकी नज़र से दुनिया को देखते हो, है ना कमाल की चीज़। एक और किताब है जो कि मैंने इस बीच पढ़ी, वो है एडवेंचर्स ऑफ द स्क्रीन ट्रेड। एक चीज़ मुझे पता लगी ड्यूरिंग दिस जो भी मेरा टाइम गुजरा है राइटिंग में कि मतलब स्टोरी सिर्फ लिख देना इज़ नॉट द फाइनल टास्क, उसके बाद की जो जर्नी है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे भाई आप स्क्रिप्ट को बेचोगे कैसे, है ना? इसमें स्क्रिप्ट को बेचने में जो एजेंट्स होते हैं उनका कितना रोल होता है। एंड हाँ, जो हॉलीवुड में जो कुछ नामी गिरामी स्क्रिप्ट जो बिकी हैं, जो उनके पीछे की स्टोरी है, दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। और मैं ये कहूँगा कि जिसको भी स्क्रीन राइटिंग में और इस स्क्रीन ट्रेड में जो भी मूवी के जो बिजनेस है उसमें इंटरेस्ट है, ये आप इसको पढ़ सकते हो। और काफ़ी मज़ेदार किताब है जो कि मुझे रिकमेंड हुई थी किसी से। और एक रिविज़न किया मैंने किताब का, और वो था चेतन भगत रिवोल्यूशन 2020। 2012 की किताब है और बनारस किस फेज पे, चूँकि मैं मुगल सराय से हूँ काफ़ी लोगों को पता है, मेरे स्कूल के दोस्तों को तो पता ही है, तो एक अलग सा जुड़ाव है कि बनारस के लड़कों की लाइफ क्या होती है। और उसमें भी लव लाइफ खोजना इज़ अ प्रिटी टफ थिंग टू डू। जो होड़ होती है कि आपको इंजीनियरिंग और बाकी चीज़ें निकालनी है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने हैं समाज में, तो एक अच्छी किताब है मैं कहूँगा। बट हाँ, इट्स नॉट अ सीरियस लिटरेचर, इट्स अ इंटरटेनर लिटरेचर, सो इसको आप ऐसे ही पढ़ो। मतलब कई लोग पढ़ चुके होंगे लेकिन व्हाट्स रॉन्ग, रिविजन करने का अपना ही मज़ा होता है।